हैं अपनी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट हम ऐसे डिफाइन करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल। मतलब जिस लिक्विड का हम फ्रीजिंग पॉइंट स्टडी कर रहे हैं उसकी लिक्विड स्टेट में उसका वेपर प्रेशर और उसके सॉलिड स्टेट में उसका वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाता है तब हम कहते हैं कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, उस टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ स्टडी करते हैं। इस ग्राफ में वाई एक्सिस में हमने लिया है वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस में हमने लिया है टेम्परेचर। जैसे कि हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफ स्टडी किया था कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है लिक्विड सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट उसकी ये वेपर प्रेशर वाली कर्व ऊपर आती है और सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर वाली कर्व नीचे आती है। सॉल्यूशन जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो इसलिए इसकी कर्व नीचे आएगी, तभी तो देखो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। देखो इस टेम्परेचर पे, मतलब जब टेम्परेचर इतना था इस पॉइंट पे, देखिए इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर ये था, फिर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, यहाँ पे इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है और इसी सॉल्वेंट की जो सॉलिड स्टेट है उसमें के जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़वा रहे हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर कम करने से कम वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा वेपर प्रेशर वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये इस लिक्विड लिक्विड सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर है, यहाँ पे इसकी सॉलिड स्टेट में है। तो ये दोनों लाइन यहाँ पे जाके मिल जाती है, मतलब यहाँ पे सेम सॉल्वेंट की लिक्विड और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे जाके इक्वल हो जाता है। तो ये क्या हुआ, इस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया जहां पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम है। जिस पॉइंट पे उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो उस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। अब क्योंकि सॉल्यूशन की कर्व नीचे आ रही है, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो कर्व नीचे आ रही है, तो ये वाला जो है सॉलिड स्टेट का और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इस पॉइंट पे इक्वल होगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कम है, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जो है इक्वल हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्व नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। वो हमने प्योर सॉल्वेंट के लिए पढ़ लिया, सॉल्यूशन के लिए पढ़ लिया। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये डिफरेंस है प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में, जिसको हम डेल्टा टीएफ बोलते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया मींस डिप्रेस हो गया है, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो गया, डिप्रेस हो गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कि जब हम एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा वाला टेम्परेचर से कम वाला टेम्परेचर माइनस करेंगे तो डेल्टा टीएफ, ज्यादा वाला टेम्परेचर कौन सा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कम वाला टेम्परेचर कौन सा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि डेल्टा टीएफ टी नॉट माइनस टी के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसमें हमने आगे ये देखते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे पढ़ा था। इसको भी जब हमने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया तो हमें पता लगा कि जो डेल्टा टीएफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। अब मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मतलब मोलैरिटी डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से।
अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्स नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से। मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। डेल्टा टी एफ जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डेल्टा टी एफ मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलैरिटी है सॉल्यूशन। फिर हमने क्या देखा, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम केएफ लिखते हैं। ये कांस्टेंट क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां पे था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट के केस में, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है तो वही से इसका नाम आ रहा है डिप्रेशन कांस्टेंट। या फिर इसका एक और नाम भी है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कैसा सॉल्वेंट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी। सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो केएफ चेंज हो जाएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक, अब क्या है, हमें इसे डिफाइन करना है कि केएफ की डेफिनेशन क्या होगी। तो इस इक्वेशन में अगर एम को वन पुट कर दें, एम की जगह पे वन लिख दें, मींस मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर हम वन ले लें तो केएफ डेल्टा टीएफ के इक्वल आता है। तो यही से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की, कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मींस केएफ इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। ठीक है, ये केएफ जो है डेल्टा टीएफ के इक्वल है जब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन यूनिटी है। तो इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर कई बार केएफ की एसआई यूनिट्स भी पूछ ली जाती है, तो केएफ की एसआई यूनिट निकालने के लिए हम केएफ को एक साइड पे रख लेते हैं, और केएफ किसके इक्वल आएगा, केएफ इज इक्वल टू ये एम नीचे आ जाएगा डेल्टा टीएफ डिवाइड में मोलैरिटी, केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ डिवाइड में मोलैरिटी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, जो टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन डिवाइड में जो मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी। अब मोल पर केजी ऊपर जाएगा तो पर मोल केजी हो जाएगा, टेम्परेचर की केल्विन, मोल ऊपर चला गया तो मोल पर केजी, तो केएफ की यूनिट क्या आ गई, केल्विन पर मोल केजी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मोलल एलिवेशन मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ उसकी यूनिट आ गई एसआई यूनिट्स उसकी। फिर है अगर हमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें एक और फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई में मोलैरिटी, मोलैरिटी की वैल्यू हमें यहां पे पुट करनी है। तो हम मोलैरिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होते हैं, जो भी हमें मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, कितना वेट हमने डिसॉल्व किया सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट का मास डिवाइड में सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। हम मान लेते हैं कि हमने W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया है और उसका मॉलिक्यूलर मास M2 है, तो W2 by M2 ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट हम मान लेते हैं हमने W1 ग्राम लिया है, उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, W2 डिवाइड में M2 मल्टीप्लाई में 1000 के ऊपर गया मल्टीप्लाई में हो गया डिवाइड में W1। तो ये हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू आ गई। इस मोलैरिटी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई में मोलैरिटी की वैल्यू पुट करनी है, तो ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, डेल्टा TF इज इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई में डब्लू टू बाई एम टू मल्टीप्लाई में 1000 बाई डब्लू वन। फिर से यहां पे देख लेते हैं, ये क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, केएफ है हमारे पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डब्लू टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में एम टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में डब्लू वन क्या है मास ऑफ मींस वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितने ग्राम हमने सॉल्वेंट लिए ग्राम में ये
तो एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, एक ये डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई में मोलैरिटी, बहुत इजी है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई में एम, और एक इस एम की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये तीन फॉर्मूले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें बाकी सब कुछ पता है तो हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात आप यहां पे देख सकते हैं, देखो जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसा ही बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी में भी था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी जो डेल्टा टी भी था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के, इसी तरह डेल्टा टी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल।